सोलह दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेटीएम अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि गाइस बहुत सारे नए यूजर्स ऐसे हैं जो कि अपने पेटीएम अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं बट बना नहीं पा रहे, उनको प्रोसेस नहीं पता, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे पेटीएम अकाउंट को। सो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अपने पेटीएम अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे, मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम आपको ए टू जेड प्रोसेस करके बताने वाले हैं, करके दिखाने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ईजिली आप पेटीएम बनाना सीख जाएंगे, पेटीएम चलाना आप सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुछ लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन में पेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने पेट एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब आपको यहां पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको लॉग इन टू कंटिन्यू पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब आपको यहां से अपने मोबाइल नंबर को आपको डालना है। तो दोस्तों जैसे अपने यहां से अपने फाइनली दोस्तों जैसे आप यहां से अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे तो अब आपको प्रोसीड टू सिक्योरली पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपके मोबाइल नंबर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, तो आपका जो ओटीपी है ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों अब आपका जो पेटीएम अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है, आपको जो पेटीएम अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपके सामने इस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे इंटर द बैंक नेम का ऑप्शन रहा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब आपको जो भी बैंक होगा अपने बैंक का नाम आपको इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मेरा जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इस तरीके से हम सर्च कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन होकर के आ चुका है। हम इस पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो बैंक अकाउंट है इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों मेरा जो बैंक अकाउंट है इस तरीके से ऐड हो जाएगा। यहां पे लिख रहा है कांग्रेचुलेशंस योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड। तो दोस्तों अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको डन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप डन पे क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ पे पेट एप्लीकेशन में आपका जो बैंक अकाउंट है लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों अब आपको नीचे यहाँ पे बैंक का ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप जो बैंक इसमें लिंक है आपका बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में दोस्तों अब आप पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे स्कैनर क्यूआर की यहाँ पे दोस्तों आपको स्कैनर पे और यहाँ पे टू मोबाइल नंबर है और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों आप पैसा कैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, स्कैनर क्यूआर कोड से हम पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। सो फाइनली दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करना है। दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद में इस तरीके से पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद में पे पे क्लिक करना। जैसे पे पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना यूपीआई पिन आपको यहां पे डाल देना है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने यूपीआई पिन को हम यहां पे डाल देंगे। सो फाइनली दोस्तों इस तरीके से हम क्या कि अपने यूपीआई पिन को डाल लिया। डालने के बाद में आपको टिक वाले बटन पे क्लिक करना। जैसे टिक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब रिचार्ज आप कैसे करेंगे, आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद में दोस्तों जब आप फाइनली दोस्तों आप जब यहां से बैक आ जाएंगे तो अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको सिंपली यहां पे रिचार्ज एंड पे बिल्स का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करके आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहां से डीटेल रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप डीटेल रिचार्ज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेटीएम अकाउंट को बना सकते हैं और दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और दोस्तों आप यहां से अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं और बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के पास। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है पेटीएम अकाउंट बनाने में तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।